नाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्ण जोर करे हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये बैल बने हैं और ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा यहाँ पर लक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही है। आप कभी भी कहीं लक्ष्मी को देखो उसको देखना वो ऐसे बैठी हुई रहती वो सबका आशीर्वाद देती रहती लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी आप देखो वो आशीर्वाद नहीं वो हाथ जोड़ करके यहाँ तपस्या कर रही। इसलिए गुरु जी कहते थे अभी प्रश्न है फिर हम ये लक्ष्मी को पास में क्यों आए। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अगर जिसको ब्रज रस के भक्ति बनना चाहते हो कद अभी तक का लक्ष्मी तब रतिमति व्यमनायिनी कथा मुक्ति व्याघ्रा की लर्बात में गिरी। खबरदार मुक्ति की बात मत सुना करो जैसे एक सांप निगल लेता है ऐसे मुक्ति जीव को जो निगल लेता है। इसलिए अगर आपको ब्रज भक्ति बनना चाहते हो जिसको राग वर्तमान चंद्रिका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना करते हैं भक्ति साबल्य भक्ति विरुद्ध भक्ति अविरुद्ध है। इसलिए अगर तुम ब्रज भक्ति पाना चाहते हो तुमको ऐसे तदानुरागी जनानुगामी वो ब्रज भक्ति के जो अनुसरण करने वाले कहते उनको फॉलो करनी चाहिए फिर तो तुमको ब्रज भक्ति मिलेगी। अगर तुम अगर ब्रज भक्ति बनना चाहते हो कहते लक्ष्मी की कथा सुनोगे हैं लक्ष्मी के प्रति अगर आसक्ति रहेगी नारायण के प्रति तुमको फिर ब्रज भक्ति नहीं मिलेगी फिर तुमको खेच करके ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी तुम्हें ले जाएगी वैकुंठ ले जाएगी तुमको वृंदावन धाम प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दूसरे देवा देवी के भजन की बात तो छोड़ दो लेकिन कभी कभी दिखा जाता है ऑलरेडी गुरु जी से हरिनाम ले लिया वैष्णव से दीक्षा मंत्र ले लिया गौरी वर्ष लेकिन अभी भी दूसरे दूसरे देवा देवी को अभी भी पूजा करती। अभी नवरात्रि आई ना कुछ लोग नवरात्रि व्रत किए हैं कुछ लोग कड़ुआ चौथ और पता नहीं क्या क्या इधर उधर की भक्ति करते हैं। बोले नहीं भैया अगर अगर तुम ब्रज भक्ति बनना चाहते हो यहाँ तक भी दूसरे देवा देवी का बात तो छोड़ दो यहाँ तक भी नारायण लक्ष्मी का प्रति तुम्हारी जो आसक्ति उसको भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें ब्रज भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव कहते थे हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ये लक्ष्मी की से शिक्षा लेने के लिए। लक्ष्मी कौन है कहते इनको एक पतिव्रता नारियों में एक विशेष नारी मानी जाती है ये पतिव्रता नारी। लेकिन कृष्ण की सुंदरता माधुर्य की इतनी सुंदरता है जहाँ पर लक्ष्मी भी अपना है अपना जो पतिव्रता धर्म को ये भी छोड़ करके भगवान के कृष्ण के प्रेम में भक्ति भगवान के दिव्य रास में ये भी इसका भी प्रवेश करने की इच्छा हो जाती है। ये ब्रज भक्ति की इतने महिमा ये ब्रज भक्ति की। इसलिए कहते हैं ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जिस समय दक्षिण भारत में गए और महाप्रभु दक्षिण भारत में जहाँ पर कावेरी नदी में स्नान करते हैं श्री रंगम में जाकर के महाप्रभु बड़े सुंदर है 26 साल उम्र में सन्यास लिया या दीप सुंदर महाप्रभु बड़े सुंदर महाप्रभु हाथ उठा करके दिदाई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। महाप्रभु जिस समय कीर्तन कर रहे थे ठीक उसी समय भगवत इच्छा से वहाँ पर से वेंकट भट्ट भी आए। वेंकट भट्ट महाप्रभु की सुंदरता सन्यासी अपूर्व कीर्तन को दर्शन करके मुक्त हो गए और ये गृहस्थ है। इसलिए
गृहस्थ उन्होंने देखा सन्यासी इतने सुंदर सन्यासी, तब उन्होंने अपना घर में उन्होंने निमंत्रण दिया। ये इसी चातुर्मास का समय पर उन्हें निमंत्रण दिया, निमंत्रण देकर अपना घर में ले गए, उनको भोजन कराए। तब उनको घर में उनको साथ में बात होते 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 उनको घर में एक साथ में महाप्रभु का चिंतन परिकर है। एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी है, दूसरे है श्री प्रबोधानंद सरस्वती और ये वेंकट भट्ट है। अभी महाप्रभु इनको साथ में शास्त्रार्थ करते करते महाप्रभु ने एक उन्होंने प्रश्न किया उनको, बोले ये बताओ हम तो ग्वाल की उपासना करने वाले, हम तो कृष्ण ग्वाल को उपासना करने वाले, लेकिन तुम्हारी जो आराध्य है देवी लक्ष्मी वो तो नारायण को भक्ति करने वाले, नारायण को उपासना करने वाले, लेकिन हमने सुना है तुम्हारी जो लक्ष्मी है ना, हमारा जो ग्वाला जो गैया को पीछे पीछे चराने वाले, गैया चराने वाले हमारे कृष्ण को पाने के लिए वो क्या तपस्या कर रही है। इतने में उन्होंने प्रश्न किया आपको ये बात मिली कहाँ से, बोले ये श्रीमद् भागवत में, बोले भागवत हमने भी भागवत पढ़ा हुआ है लेकिन हमें तो कोई मिली नहीं ऐसी बात को। हाँ, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं जो भागवत है ना, कभी जहाँ भागवत वैष्णव स्थानी एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणी चैतन्य भक्तर तुम नित्य कर संग तबे तो बुझी हुए तुम्हें सिद्धांत करेंगे। इसलिए कहते अगर भागवत पढ़ना तो अपने आप मत पढ़ा करो, बोले वैष्णव के आनुगत्य में पढ़ो। बोले केवल वैष्णव तो चार वैष्णव संप्रदाय है, कहते कौन सा वैष्णव के आनुगत्य में पढ़नी चाहिए, बोले जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म को जिन लोगों ने आश्रय किया अगर उनकी अनुगत्य में अगर ये भागवत पढ़ोगे तबे तो बुझी में तुम्हें सिद्धांत तरंग, तभी तुम सिद्धांत का जो तरंग है सिद्धांत को जो रस है कभी रस चीज को तुम समझ सकते हो, नहीं तो हाँ समझोगे भागवत को समझोगे लेकिन चरम रस को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे श्री भागवत का जो प्रथम श्लोक है जन्मादश श्लोक, इसको श्री बल्लभाचार्य उन्होंने उनका कृष्ण पर अर्थ किया है, सत्यं परम धीमहि मतलब वो परम सत्य कृष्ण है, लेकिन उसी श्लोक को जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कहते वो सत्यम परम धीमहि भगवान की जो पराशक्ति है देवी कृष्णमयी प्रकटा राधिका परा देवता, हम किसको आराधना करते हैं उन भगवान की जो पराशक्ति श्रीमती राधा रानी, हम उनको ध्यान करते हैं जिनसे ये सारे रस उत्पत्ति होता है। लेकिन यही श्लोक को जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब व्याख्या करते हैं कहते वो सत्यम परम धीमहि कौन है, बोले ये श्री मन चैतन्य महाप्रभु, बोले जन्मादस्य जतः जिनसे सारे रस की प्रकट होता है, बोले किससे, बोले श्री हरिनाम संकीर्तन से, इसलिए संकीर्तन का प्रवर्तक कौन है, बोले श्री सचिनंदन श्री गौर हरि है, इसलिए बोले तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवय मुझंति जत सुरयो, जिन्होंने आदि कवि किसको हृदय में वहां पर तक कहते ब्रह्मा जी को हृदय में कहते आदि कवि कौन है, बोले ब्रह्मा नहीं रूप गोस्वामी आदि कवि, सनातन गोस्वामी आदि कवि, श्री हमारे श्री हैं कहते श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी राय रामानंद जो ललिता विशाखा रूप मंजिल लवंग मंजिल, इनके हृदय में महाप्रभु ने वो सारे शक्ति को सारे रस को उन्होंने इनके अंदर में प्रवेश करवाया। इसलिए जब हम श्री गौड़ीय महाप्रभु महाप्रभु का लाइन में जब भक्तों की अनुगत्य में जो भागवत पढ़ोगे ना, पर भागवत ऐसे नहीं पूरा रस ही रस है, जहाँ पर पूरा के पूरा रस ही रस तुमको प्राप्त होगा। इसलिए भागवत का जो अंतिम जो उपसंहार कथा कल वस्तु तनिष्ठम कैबल्य ऐक्यम प्रयोजन, मायावादी क्या करते हैं भागवत लक्ष्य बल कैबल्य मुक्ति प्रयोजन, लेकिन उसी श्लोक को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो व्याख्या करते बोले कैबल्य ऐक्यम, हमको केवल एक भक्ति चाहिए, बोले कौन सा, बोले ब्रज भक्ति, बोले ब्रज भक्ति में कौन चाहते सख्य, बोले नहीं बात्सल्य, बोले नहीं, बोले कौन सा, बोले श्रृंगार रस, केवल हमें एक चाहिए ब्रजवधु वर्गीन जागल पिता, ब्रज गोपियों ने जो रास्ता, इसलिए इतने सुंदर रस की व्याख्या करते हैं। इसलिए जब तक इसलिए यहाँ पर श्री वेंकट भट्ट भागवत पढ़े लेकिन वैष्णव का अनुगत्य में नहीं पढ़े, इसलिए उनको कहीं दास नहीं मिला। इसलिए महाप्रभु जो बोले कहते भागवत में कहां पर, मैंने भागवत भी पढ़ा है,
हमें तो कुछ मिला नहीं। तो महाप्रभु ने तीन चार श्लोक वहां पर उठाए, एक श्लोक महाप्रभु उठाए जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए और उन्हें ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, जब श्रीमती राधा रानी को प्रेम को देखा, बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय दुग्ध की बाजे प्रेम की ढोल। जहाँ पर उन्होंने राधा रानी की प्रेम की चित्रा दर्शन किया, उद्धव तो सिद्धा हो गए और कहते हैं नायम श्रीअंग नित्यांत रते प्रसाद सौर जोशिताम नलिनिगंधावृताम कुकन्या। इसलिए रासोत्सव सभुज दंड गृहीत कंठा, यहाँ पर श्लोक होता है न अयम श्रीअंग नितांत रते प्रसाद, कहते ब्रज गोपियों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बल्कि जो श्री कहते जो लक्ष्मी है उसको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, स्वर्ग के देवियों को भी जिनके शरीर से कमल पुष्प की खुशबू निकलते उनको भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये गोपियां कितने सौभाग्यवान जिसे कृष्ण को गले में गलवैनिया देकर के उन लोगों ने प्रेम की भिक्षा, कृष्ण स्वयं इनके गले में गलवैनिया देकर प्रेम को भीख मांगते हैं, उन्होंने एक श्लोक उदाहरण दिया। उन्होंने उसमें और एक तया जावई श्रीयार चितम है, यहाँ पर एक श्लोक बताए जहाँ पर श्री मतलब लक्ष्मी जहाँ पर भी राधा रानी की ब्रज भक्ति को पाने के लिए भी आराधना करती हैं। तीसरा श्लोक उन्होंने उदाहरण दिए जब श्री नाग पत्नी है, नाग पत्नियां जब स्तुति कर रहे हैं कृष्ण को, बोले प्रभु ये कालिया ने ऐसे कौन सा सौभाग्य किया है, हैं कहते हैं जिन चरण कमल को पाने के लिए बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता लक्ष्मी पति व्रता नारी। लेकिन जब श्री जब श्री कृष्ण की माधुर्य को श्रवण करती है जहाँ वैकुंठ छोड़ करके कठोर धृत व्रता जहाँ पर कठोर तपस्या कर रही है, इसलिए यहाँ पर श्री लक्ष्मी कठोर तपस्या कर रही है, यहाँ पर लक्ष्मी बैठी करके, इसलिए कहते ये जो लक्ष्मी तपस्या श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं अभी भी ये लक्ष्मी तपस्या तो कर रही है, लेकिन कहते अभी तक भी कृष्ण का चरण को प्राप्त नहीं हो पाए। बोले क्यों नहीं हो पाए, कारण क्या? बोले कारण कहते हैं जब लक्ष्मी यहाँ कठोर तपस्या की तब कृष्ण प्रकट हुए। बोले भैया क्या बात है, तुम इतने क्यों कठोर तपस्या कर रहे हो? बोले प्रभु आपका रास हमें मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, आपका रासलीला को दर्शन करना चाहता हूँ, प्रवेश करना चाहता हूँ, आपका ये स्वरूप को हम प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले लक्ष्मी इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। बोले क्या बताओ? बोले पहला काम तो तुमको गोपी गृह में जन्म लेना पड़ेगा। दूसरी चीज तुम्हारी जो लक्ष्मी अभिमान है ये लक्ष्मी के अभिमान को तरह से त्याग देना पड़ेगा और राधा रानी के चरणों को आश्रय लेकर अभी भजन गा रहे थे ना, बोले अनाराध्य राधा पदम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटम्बी असंभाष तद भाव गंभीर चीता कुतः श्याम सिंधु रसस्याप गाओ। अगर आप ब्रज भक्ति बनना चाहते हो राधा रानी की चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, राधा रानी की चरण द्वारा अंकित वृंदावन धाम का आश्रय लेना पड़ेगा और राधा रानी की भक्ति रस में संत जो डूबे हैं उनका चरण को तेरे को आश्रय लेना पड़ेगा, तभी जाकर ब्रज भक्ति, नहीं तो ये ब्रज भक्ति रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। कर सकते हो? कहता हाँ ये तो कर सकती हूँ, ये तक मैं राधा जी के चरण को आश्रय ग्रहण कर सकते, लेकिन और ये काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कंडा थपथपाना पड़ेगा, दधि मंथन करना पड़ेगा, इनके घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी। बोले हाँ लक्ष्मी तो मेरे धाम में हजार हजार लक्ष्मी वहां पर तो नौकरानी सेवा करती है, इसको पाने के लिए यहाँ तक भी कर सकता हूँ, लेकिन जो और एक बात बताए ना, बोले ये नहीं कर सकता हूँ। बोले क्या नहीं कर सकते हो? बोले जो कृष्ण बोले मेरे साथ में तुम्हारी डायरेक्ट शादी नहीं होगी, शादी तुम्हारी किसी गोप से होगी और मेरे को जैसे गोपियां पर किया मतलब दूसरे पुरुष रूप में मेरे को प्रेम करती हैं, तुमको ऐसे प्रेम करना पड़ेगा, कर सकती हो? बोले ऐसे कैसे हो सकता है, शादी तो तुमसे कर सकता हूँ लेकिन हम दूसरे गोप से शादी करके तुम्हें छुप करके प्रेम करना ये मेरे से होना कठिन है। फिर तो कृष्ण ने कहा भैया फिर तुमको ब्रज भक्ति वृंदावन में प्रवेश रास में मेरे प्रवेश नहीं सकता। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते अभी भी लक्ष्मी यहाँ बैठी करके तपस्या कर रही है, अभी तक भी उनको प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक भी प्राप्त नहीं हो पाई। इतने में महाप्रभु ने पूछा बता ये बताओ ये लक्ष्मी फिर ये कृष्ण के अंदर में ऐसा क्या विशेष चीज है जिसको ये लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण के अंदर में
ऐसे क्या चीज है? कहते हैं महाप्रभु ने कहा देखो कृष्ण को अंदर में विशेष करके चार गुण है जो कि और किसी को अंदर में नहीं है, ये किसी अवतार में भी नहीं, किसी देवता में नहीं, किसी जीव के में नहीं, हाँ ये किसी को अंदर में नहीं, केवल ये कृष्ण के अंदर में। बोले वो चार चीज क्या है? बोले सर्वाद भूत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम त्रिजगत मानसाकर्षी मुरली कलकुजित असमानार्थ रूप श्री भीष्म पीतम चराचर। इनका जो पहला जो विशेष है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कललवार की, इनकी एक गुण है उनका जो अद्भुत लीला। बोले कौन सा लीला? बोले संति यद्यपि मैं लीला तथा मनोहरा नाही जाने स्मृति रासे मन में किधर स्वभावे। कहते उनका जो एक लफ्ज रास लीला है ये रास और किसने नहीं रचाया, रास रचाया कौन है? श्री कृष्ण कन्हैया ही ये केवल रास रचाया है, इसलिए उनका अद्भुत लीला है। इसलिए सर्वाद्भुत चमत लीला कल्लोल वारिधि बोले अतुल माधुर्य प्रेम मंडित प्रिय मंडलम। दूसरे जो माधुर्य है कहते इनकी प्रेम माधुर्य है। प्रेम माधुर्य में रूप गोस्वामी दो चीज उदाहरण देते हैं। पहला एक उदाहरण देते हैं कृष्ण जब रास लीला कर रहे थे, रास लीला तो ब्रह्मा का एक रात तक रास लीला हुई, लेकिन गोपियों को ऐसे लगा अभी आए और अभी जैसे खत्म हो गया। कहते ये एक है। दूसरा चीज हुई कृष्ण जब गोचारण करते करते जब ब्रज में वापस आते हैं, कृष्ण बड़े मीठी मीठी मधुर मधुर बंसरी बजाते हैं, बंसी ध्वनि सुन करके सारे ब्रजवासी ब्रज गोपियां बाहर निकल करके आ जाती है और घूंघट उठाकर कृष्ण का दर्शन करती है। लेकिन दर्शन करते समय कृष्ण के अंदर में ऐसे माधुर्य कृष्ण के अंदर में, कृष्ण के जब दर्शन करते हैं बोले त्रुटि जुगायते स्वांगमपश्यताम कुटिलकोन्तलम श्रीमुखं चते जड़ौ दीक्षताम पक्षमग्री देश्राम। इसलिए कहते कृष्ण जब वापस आते हैं ना, कहते कृष्ण का मुख कैसे, बोले जैसे कमल का फूल है। कहते उनको जो घुंघराली कैसे कैसे जैसे कमल पुष्प पर भौंरा मुड़ा रहे हैं और जैसे गैया के खुर से जो धूल उठा जैसे उन्होंने पाउडर लगा दी ना, स्नो पाउडर लगाते ऐसे कृष्ण का लग रहा था। अब कृष्ण को दर्शन करते समय उनको जो आंखों की जो पलक झप रही थी वो पता नहीं चलता कब झपता है कब खुलता है, लेकिन उतना समय भी उनको लगता है त्रुटि जगाए जैसे करोड़ों कृष्ण की अंदर में ये विशेष माधुर्य है। जो तीसरा माधुर्य है ये कृष्ण के अंदर में, ये जो बेणु माधुर्य कृष्ण के अंदर में जिसको सुन करके बेणु माधुर्य को जहाँ पर जमुना उल्टी बहने लग जाती है, जहाँ पर चिड़िया बन जाते हैं, जहाँ पर मुनि बन जाते हैं, जहाँ पर वृक्ष जहाँ पर पुष्प जहाँ पर मधु की झरी बहने लग जाती है, जहाँ पर स्तर अचर सबके सब अपना अपना धर्म को छोड़ करके विपर्य धर्म धारण करते हैं, है ये अद्भुत एक बेणु माधुर्य। तीसरा जो माधुर्य है उनकी रूप माधुर्य है। कृष्ण ऐसे सुंदर, ऐसे कृष्ण सुंदर है। कभी कभी गोपियां कहती है श्याम सुंदर तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करना, अच्छा हुआ तेरे को लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। अगर तू लाली होता है ना पता नहीं कितने लोग तेरे को पाने के लिए मर जाते दुनिया में। इसलिए यहाँ पर कृष्ण इतने सुंदरता है। कृष्ण स्वयं नारायण लक्ष्मी को छोड़ दी, नारायण भी उनको रूप देखने के लिए बच्चों को चोरी करती है। नारायण की बात छोड़ दो, कृष्ण रे माधुर्य सुनी वसुदेव रखो, ब्रजेंद्र नंदन की माधुर्य सुनकर वसुदेव नंदन जब सुनते हैं इनके हृदय में खूब प्रकट हो जाता है। और कृष्ण जब स्वयं अपना रूप को मणि स्तंभ के ऊपर देखते हैं तद अपर कलित पूर्वम कष्ट मत कार करिए कौन है इतने सुंदर, कौन है इतने सुंदर है तब देख करके कहते मैं कब से राधा रानी बन जाऊं और राधा रानी बन करके मैं कब ये रूप को मैं आलिंगन कर। इसलिए कलियुग में कृष्ण स्वयं कलियुग में श्री राधा रानी की भाव अंगकांत लेकर के उसी चीज को आस्वादन करने के लिए कहते श्री सचिन नंदन गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप में अवतरण होते हैं। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं लक्ष्मी से ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृष्ण के अंदर में जो माधुर्य और किसके अंदर में नहीं।
और सर्वश्रेष्ठ जीव प्रभु का लीला भगवान की दिव्य रास लीला है। जीव का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है जीव जब वो दिव्य लीला में प्रवेश करके कृष्ण प्रेम रस को राधा जी के अनुगत में आस्वादन करता है, तभी जीव का ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। ये लक्ष्मी से ये चीज हमें प्राप्त होता है, इसलिए गुरुदेव कहते थे इसलिए हम लक्ष्मी के पास में आए। अगर लक्ष्मी अगर अपना पतिव्रत धर्म को छोड़ सकती है फिर हम कौन सा खेती के मूल्य है। इसलिए लक्ष्मी से प्रार्थना करें, जैसे हमारी अंदर में ऐसी भावना है, हम यही पर बोल करके वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बच्चा कृपा सिंधु भय बच पतितानंग पावन भो वैष्णवे भो नमो नमः।